Good afternoon, all of you. First of all, my name is Mahesh and I'm from Mumbai. चलिए अपने एक और स्टूडेंट से मिलते हैं जिनके ऑल इंडिया रैंक है 333 महेश, जिन जो कि मुंबई से हैं और इनको एनआईटी कैलिकट अलॉट हुआ है। तो महेश, सबसे पहले तो आपको इस रैंक के लिए और एनआईटी कैलिकट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और महेश अपनी सक्सेस जर्नी बताए उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि महेश ने लास्ट ईयर भी एनआईटी का एग्जाम दिया था और 788 रैंक थी। एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला और हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिल रहा था और सीईटी महाराष्ट्र में भी 99% थे। पर इसका ये दिमाग में था कि नहीं सर, मुझे 5 एनआईटी में ही जाना है ऊपर के। कई लोग होते हैं जिनके मन में कुछ विजन होता है और इसने बिल्कुल ड्रॉप लिया, थोड़ा सोचा पर उसका ड्रॉप लिया और अगेन इस साल देखिए जो उसका विजन था वैसा ही हुआ कि टॉप 5 एनआईटी में जाना था, टॉप 5 एनआईटी में ही गए। तो कई लोग जिनकी रैंक अच्छी नहीं होती, मैं वैसे कहता हूं अगर आपका सिलेक्शन हुआ कोई भी एनआईटी में ले सकते हो, पर जिनकी रैंक उससे ऊपर निकल जाती कि कोई कॉलेज नहीं मिल रहा तो कई बार कंप्रोमाइज करते हैं। मैं हमेशा बोलूंगा कंप्रोमाइज करने से पहले कई बार सोच लो। तो महेश, ये एक डिसीजन मतलब किसी कॉलेज को छोड़ना, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी में नो डाउट, फिर भी आपका मन नहीं था। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, हर बच्चे को अपने मन की करना चाहिए, तो ये ड्रॉप करना घर पे एक प्रेशर बनता है और आप दूसरा मुंबई जैसी सिटी से, महाराष्ट्र में इतने अच्छे परसेंटाइल वीजेटीआई मिला था वो भी नहीं लिया, तो वो एक टफ टाइम होता है क्योंकि इस पे कई लोगों का प्रेशर भी होता है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस जर्नी बहुत अच्छे से बताएं, क्योंकि कई बच्चे जिनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती उनके लिए जो आपकी स्टोरी है ना सक्सेस स्टोरी, वो उनकी लाइफ चेंजिंग होगी। आपके लिए वो सक्सेस स्टोरी है पर किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, तो मैं चाहूंगा आप डिटेल में सब चीजें बताएं। थैंक यू सर। फर्स्टली मेरा नाम महेश है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं फर्स्ट शरद सर, प्रतीक सर, इनको थैंक यू कहना चाहता हूँ एंड माय मॉम डैड और मेरे एल्डर ब्रदर, उनके वजह से आज जो भी हूँ मैं यहाँ पर हूँ। फर्स्टली मेरी जो जर्नी थी इम्पेटस में वो 2020 से स्टार्ट हुई है। मेरे जो रैंक थे लास्ट टाइम वो 788 थी और मुझे जो अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा था जो मुझे चाहिए था। सो मैंने जब मेरी रैंक आई थी तो मैं इतना मतलब डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ था बट थोड़ा सैड तो हो गया था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आई थी। तो मैंने अपने ब्रदर से बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है आप ड्रॉप लेके कर सकते हो तो आप कर दो। तो मैंने विद इन 10 डेज में मैंने ड्रॉप का प्लान बना लिया था और मैंने सर से बात की और मैंने ड्रॉप ले लिया था। उसके बाद जो महाराष्ट्र की रैंक आई वो तो बात मतलब 1 मंथ के बाद आई, उसके ऊपर तो ध्यान भी नहीं थी, उसकी रैंक क्या है और उसके 99% क्या है वो तो याद भी नहीं है मुझे, मतलब इतनी मैं मैटर नहीं करता था उसको। सो मतलब माइंड में ये था कि ड्रॉप लेना है, टॉप 5 एनआईटी में जाना है, प्रूफ करना है अपने आप को। सो मैंने फिर ड्रॉप ले ली। जब मैं ड्रॉप लिया था तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन थी और अपने आप को कभी कभी समटाइम्स ऐसा लगता था इतना एज मतलब एट अ सर्टन लेवल आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं और कुछ कुछ लोग है अपने अपने प्लेसेस पे डिजायर है, मतलब अपने अपने पोजीशन पे सेटल्ड है। सो आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ स्टिल, और अगर अनफॉर्चुनेटली आगे कुछ आप जैसे चूज किए एनआईटी वो नहीं मिल पाया तो आप क्या फेस करोगे। सो मैं मेंटली प्रिपेयर था, वॉट एवर इट इज जो मुझे मिला है मैं उसमें भी खुश हूँ, जो नहीं मिलेगा उसमें भी मैं खुश हूँ। अगर मुझे मिलता है मैं नेक्स्ट ईयर भी है मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो जिस पे भी हूँ मैं खुश हूँ। सो मैंने ठान लिया था, मैंने पेरेंट्स को बताया था, मेरे डैड मॉम उनको बताया था, तो उन्होंने बोला तेरे ऊपर डिपेंड है, तू जो करना चाहे हम तेरे साथ है। सो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मेरी जब रैंक मतलब जब इम्पेटस में शुरुआत थी तो मॉक्स वॉक्स होते थे, तो जब भी मॉक्स होते थे तो मेरी मतलब अच्छी अच्छी रैंक आती मतलब अच्छी रैंक आती थी, मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव होते थे, मेरे हर बार 800 प्लस रहता था मार्क्स। और कुछ लोग मतलब जैसे इम्पेटस में रैंक सर बताते थे डिस्प्ले करते थे तो टेलीग्राम मतलब काफ़ी सोशल मीडिया से जो टॉपर्स होते थे उनके नाम लिस्ट में रह के सर उन लोग पूछते थे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे क्वेश्चंस को देखते हो, कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करने की क्या स्टाइल है आपके। सो मैंने उनको भी हेल्प की है, मैंने उनको भी 2-2 घंटे की वीडियो सेशन लेके उनको भी मैंने समझाया है। और अनफॉर्चुनेटली उनकी भी उतनी अच्छी रैंक नहीं है बट डेफिनेटली उनकी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी रैंक आएगी और हम मिलेंगे साथ में एनआईटी में, मैं उनको श्योरली बोलूंगा क्योंकि वो इस बार आएंगे नेक्स्ट 2022 में और वो क्रैक करेंगे, ये मेरा वादा है उनसे। और मैं कुछ लाइंस अपने जूनियर्स को बोलना चाहूंगा, देखो अगर आपकी रैंक है मतलब अबोव 1000 सो आपको टेक इट एज एक्सपीरियंस,
एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड क्रैक इन 2022। अगर आप उसको एज अ फेल्यूर लेंगे तो आप जो अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप एज अ एक्सपीरियंस लेंगे सो आप डेफिनेटली अपने 22 में क्रैक करेंगे। थैंक यू सर। देखिए महेश ने कितनी अच्छी और इंपॉर्टेंट बात बोली कि जैसे कोई बच्चे के 1000 के ऊपर रैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, पर जब हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं उनमें भी अगर किसी की 1000, 1200, 3000, 1500, 2000, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है और ये आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसे फेलियर ले लिया तो आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपकी लास्ट ईयर रैंक थी, अगर आप इसे फेलियर मानते तो आज ये रैंक नहीं आती। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और आप इतनी रैंक तक तो आ गए, अब और मेहनत करके आगे निकलना है। तो लाइफ में मैं आप सभी बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कभी कंप्रोमाइज मत करो। और कंप्रोमाइज के अलावा एक चीज और कि अगर आपके मन में कोई चीज है तो उसको छोड़ो मत। तो जैसे इसके मन में जो था इसने करा, घर वालों का भी सपोर्ट मिला, तो ये चीज आप ध्यान रखो। महेश मैं ये भी चाहूंगा कि आपको इस बीच में क्या चैलेंज है, अक्सर जब ड्रॉप लेते हैं हम और वो भी इस अच्छी रैंक कॉलेज छोड़ने के बाद, तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली कोई कोई आपको कुछ बोल रहा होता है। और ये भी सही है कि जब हमारे दोस्त कहीं कहीं लग जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, पर एट द एंड रिजल्ट हमें हमेशा देखना चाहिए। आज भले ही कुछ भी हो पर आज से 10 साल बाद जब आप अपने आपको मुड़ के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि लाइफ का शायद सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है यही हो आपका, वो बनाना है। कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता, वो हमें बनाना होता है। तो अभी तो आपने रैंक अचीव किया, मान लो आप कॉलेज में जाके नहीं पढ़ो तो आप अपने डिसीजन को खराब भी कर सकते हो, और वही कॉलेज में जाके अच्छी मेहनत की, अच्छा प्लेसमेंट लिया, आगे बढ़े, तो यही डिसीजन आपकी इंटायर लाइफ को चेंज करेगा। तो वो चैलेंजेस जरूर बताओ बच्चों को, क्योंकि आते हैं वो चैलेंजेस। जब मैं ड्रॉप ड्रॉप का सोचा, मतलब मेरी जो मॉम है उन्होंने मुझे पूछा था, देख बेटा अगर तू ड्रॉप करना सोच रहा है, देखो उनकी बात सही है, मतलब अगर बंदा, उनको नहीं लगता है कि कितना भी बड़ा हो बंदा उनके लिए छोटा है। मतलब उन्होंने ये बोला, अगर देख मतलब नेक्स्ट ईयर अगर तुझे ना लगे तो तू ये जो सोसाइटी है उसको कैसे फेस करेगा, क्योंकि सोसाइटी एज को देखती है ना कि नॉलेज को। आज मेरी रैंक, मैं इतनी अच्छी कॉलेज में हूँ जो कि मेरे नेबर को नहीं पता कि मेरी रैंक क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, ठीक है ना। एग्जैक्टली, मतलब उनको ये पता है कि बंदे की एज क्या है। मतलब डोंट डिसाइड द पर्सन बाय इट्स एज, डिसाइड बाय इट्स नॉलेज। उनकी नॉलेज से उसको डिसाइड करो कि बंदा है क्या एक्चुअली। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप सोचे हो ड्रॉप के लिए तो जस्ट मतलब आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ना कि अपने पास्ट के बारे में। बिकॉज जो पास्ट थी वो तो पास्ट थी, अभी आप जो भी अपने चेंजेस करेंगे वो अपने फ्यूचर में करेंगे, तो जो चैलेंजेस है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। देखो समटाइम्स ऐसा होगा मॉक में, इवन आपका जूनियर आपके साथ बैठेगा उसकी रैंक आएगी आपसे अच्छी और आपकी रैंक आएगी उससे नीचे। सो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने कुछ गलती की या मैंने कुछ किया। सर्टनली ऐसा होता है, ये तो मतलब देखो किसी को तो फर्स्ट आना है कि तो किसी को लास्ट आना है, ये तो होता ही है। तो आप उन उन सारे चीजों से फेस करो, उन सारे, कभी कभी देखो मतलब ऐसा नहीं कह रहा हो कि सबको टॉप 10 में आना है, टॉप 50 में भी आ सकते लोग, टॉप 100 में भी आ सकते हैं। लास्ट टाइम जब कुछ महीनों पहले जब हमारी मॉक होती थी जिसकी 750 मार्क्स होती थी, उसकी भी टॉप 200 रैंक आती थी। लिटरली बोल रहा हूँ, उनकी टॉप 200 में रैंक चलता था। सो वो बच्चे भी नाराज नहीं होते थे क्योंकि उनके मार्क्स उतने अच्छे थे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैलेंजेस लेते हो तो उसको एक्सेप्ट करो, ना कि ये समझ लो कि अगर मेरी रैंक इस बार नहीं आई तो मैं फिर से डिप्रेशन या डिमोटिवेट हो जाऊँ। नहीं, जो मिला है आई एम वेरी हैप्पी। अगर मुझे अभी NIT कैलिकट नहीं मिलता, मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं फिर भी हैप्पी होता। मैं कुछ शॉर्ट टर्म में हैप्पी नहीं होता, मैं फिर से ड्रॉप का सोचता, यानी तो मैं कुछ लॉन्ग टर्म का ही सोचता। क्योंकि शॉर्ट टर्म का वो सोचते जिनको शॉर्ट टर्म गोल्स होते, जो गोल्स जिनको शॉर्ट टर्म होते वो शॉर्ट टर्म का सोचते, हमारा तो लॉन्ग टर्म गोल्स है, हम तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे। और देखो मैं अपने मॉम को काफी क्रेडिट देना चाहूंगा और अपने डैड को, उनकी जो मोटिवेशन की जो स्पीच है हर दिन वही मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और महेश आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं सभी को कहना चाहूंगा, जब आप ड्रॉप लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं, जैसे इस साल आपके रैंक आई कैलिकट मिल गई, पर कोई जरूरी नहीं कि नहीं भी आती, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं चांसेस बहुत हाई होते हैं कि ड्रॉप लिया, वो भी पढ़ने के बाद लिया तो सिलेक्शन के उतने हाई चांस है, पर हो सकता ना भी हो। पर हम दोनों प्लस माइनस को देखने के बाद भी अगर हमारा मन ये कहता नहीं नहीं मुझे लेना ही है, तो फिर कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नीचे ही आएगी ना। पर फिर भी नॉलेज तो कभी लॉस नहीं होती, और वो चीज आपने गेन की, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग इस तरह की सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते, मैं कहूंगा आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, और जब भी उनको गाइडेंस की जरूरत पड़े जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।